इसराइल के जुल्म बर्बरियत के खिलाफ पूरी दुनिया आवाज उठा रही है। नांदेड़ में भी एहतजाजी धरने का अहतमाम किया गया। जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर किए गए एहतजाजी धरने की हिमायत करते हुए कांग्रेस लीडर वाजिद अंसारी ने इसराइल को गजा में कत्लेआम करने पर तनकीद का निशाना बनाया। वाजिद अंसारी ने नांदेड़ के ईदगाह मैदान पर होने वाले दुआया जलसे में बड़ी तादाद में शिरकत की लोगों से अपील भी की। जैसा कि सभी देख रहे हैं कि 40 से 45 दिन हो चुके हैं, जो पिछले 40-45 दिनों से बेगुनाहों के कत्लेआम किया जा रहा है और मासूम मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और माओं को बहनों को तकलीफ दी जा रही है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जब से दुनिया बनी है ऐसा कत्लेआम कहीं पर और कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि आज 57 ममालिक मुस्लिम होने के बावजूद ऐसा हो रहा है और शर्मसार कर रही है इंसानियत को ये जंग। ऐसा मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। पिछले दिनों 17 तारीख को हमारी माओ बहनों ने जो कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने आंदोलन दिया, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, उन सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूँ कि कलेक्टर साहब के सामने उन्होंने अपनी बात को रखा। उसी तरीके से 19 तारीख को ईदगाह मैदान के ऊपर दुआ रखी गई है 1 बजे के वक्त में। मैं सभी अमुन्नास से गुजारिश करना चाहता हूँ जो इंसानियत में भरोसा रखते हैं, एकता अखंडता में भरोसा रखते हैं, उन सब से गुजारिश है कि आप कसीर तादाद में आकर ईदगाह मैदान पर अपनी हाजिरी लगाए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है और ये इंसानियत का अहम फरीज़ा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम अपने आप को फिलिस्तीन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं यहूदी नसारा के, उसका बायकाट किया जाए, पूरी तरीके से बायकाट किया जाए और उनको दिखा दिया जाए कि हम अगर बायकाट करेंगे तो आपके जिस तरीके से आप कत्लेआम कर रहे हैं ये आपको रोकना होगा। किसी भी इंसान के एक बच्चे को शहीद करना पूरी उम्मत को शहीद करने के बराबर है, लेकिन उन्होंने कई बेगुनाहों की जान अब तक ले चुके हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावरफुल कहता है कि तुम क्या सो रहे हो और कब तुम उठ के बैठोगे, उसी तरीके से मैं सही मुस्लिम देशों को कहना चाहता हूँ कि तुम भी क्या आँख बंद कर बैठे हो, कब आँख खोलोगे। और फिर एक बार सबसे अपील करता हूँ कि कल 19 तारीख को ईदगाह मैदान पर तशरीफ़ लाएँ और साथ में पूरे इसराइल प्रोडक्ट का बायकॉट करें।